एक बिजनेस में कई लोग जुड़े
नॉलेज करी, कहाँ तक वेबसाइट को कहाँ तक लेके आए, ये सब चीज़ों के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो सारा इसके अंतर्गत इसको सप्लाइजिंग बोलते हैं। इसका एक उदाहरण हम समझे सबसे पहले, जैसे बच्चा है स्टूडेंट्स को मान लीजिए, स्टूडेंट्स क्या करता है, वो एक उसको जो पढ़ाई उसको बिजनेस को लेकर चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं शुरुआत में जब स्कूल आते हैं इसको संबंधित जो भी हमारा कोर्स होता है उसको बुक खरीदते हैं और अलग अलग बुक बनाते हैं, अलग अलग अपने नोट्स बुक बनाते हैं और पढ़ाई करते हैं। किसी पर लेन देन में वेबसाइट को मान कर चलो, फिर हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि हमारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद हमारे जो टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ, हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, सबका रिजल्ट भी अलग अलग आता है। लेकिन फाइनली जो लास्ट में आता है जो हम एनुअल एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद ही हमको पता पड़ता है कि हम लोगों ने कितना पूछे, कितने मार्क्स प्राप्त किए, कितने हम लोग और हमने क्लास पास की या नहीं। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी साल भर में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, इसने कितनी प्रगति की, कितना लाभ कमाया, कितनी प्रॉपर्टी कमाई, कितनी संपत्ति इसने बनाई और कितने उसके लेनदार हैं, कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको व्यापार के प्रति है, वो सभी चीज़ों की जानकारी हम समराइजिंग में करते हैं। उसको करने के लिए अकाउंट्स में बैलेंस बनाया, तीन तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसको हम ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस और बैलेंस शीट, तीन तरह के अकाउंट बनते हैं जिससे व्यापार की संपत्ति के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में सारी चीज़ें हमें अकाउंट्स के माध्यम से पता पड़ जाती है। बैलेंस शीट भी होती है किसी भी कंपनी की या संस्था की या व्यापार की आर्थिक स्थिति को बताता है। जब हम सवाल करेंगे तो उसमें हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट में संपत्ति कितनी आई, संपत्ति और दायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी हमको भुगतान करना है, इन सब चीज़ों का एक ब्यौरा होता है। बैलेंस शीट देखकर ही व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता हम लगा सकते हैं। अब अगली प्रोसेस है, अगली प्रोसेस है विश्लेषण करना। तीसरा चौथा हम समझा सारांश में। अब विश्लेषण करने में हम क्या समझेंगे कि इसमें साल भर में हमारा व्यापार जो हुआ है उसमें हम कहाँ तक पहुँचे, वो सब स्थिति समझते हुए, व्यापार की स्थिति समझते हुए उसके बारे में सोचते हैं कि हमने कितना सेल्स किया, जो लक्ष्य हमने बनाया था क्या हम उसको पूरा कर पाए या नहीं कर पाए, और कंपनियों की तुलना में हमारी कंपनी का परफॉर्म कैसा है। तो कुल मिला के बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अगर हम हानि में हैं तो हानि में क्यों हैं,
कर्मचारी,